गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज धरा श्रीवास्तव, योर इंग्लिश टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव अ वेरी न्यू चैप्टर विच इज टॉपसी टर्वी लैंड. टॉपसी टर्वी मीन्स अपसाइड डाउन, उल्टा पुल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर. ऐसी चीज़ों को हम टॉपसी टर्वी कहते हैं. और ये जो पोयम हमारे पास है, इसमें एक ऐसे ही लैंड, एक ऐसी जगह की बात की गई है जो कि उल्टा पुल्टा है, टॉपसी एंड टर्वी है. अब आइए बात करते हैं आपके बारे में. आप कब अपने घर जाते हैं, तो क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपने स्कूल बैग को अपनी स्टडी टेबल पे ना रख करके सोफ़े पे या डाइनिंग टेबल पे या अपने बेड पे रख दिया है, अपने शूज़ को शू रैक में ना रख के इधर उधर कहीं फेंक दिया है, या आप अपने क्लास में, अपने रूम में पढ़ाई की जगह पर बॉल्स रख रखी हैं, बॉल्स खेलते रहते हैं? क्या आपका रूम कभी ऐसा दिखता है, इतना मेसी, इतना हॉचपॉच, इतना गड़बड़ आपका रूम कभी ऐसा दिखता है कि आपने टॉल्स कहीं भी फेंक दी हों, पेंस आपके बेड पे पड़े हों, चेयर उल्टी पड़ी हो? क्या आपका रूम कभी ऐसा दिखता है? एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से कुछ बच्चों का तो ऐसे ही दिखता होगा जब वो स्कूल से अपने घर को लौटते हैं. बट इट्स नॉट गुड एट ऑल. ऐसा उल्टा पुल्टा काम नहीं करना चाहिए. हर चीज़ ऑर्गेनाइज वे में रखी जाए तो उसके भी बेनिफिट्स होते हैं. आपको चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, वो गुम नहीं होती, और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आपका टाइम बचता है चीज़ों को फाइंड आउट करने में. आइए देखते हैं इस पोयम में हमारे लिए क्या है. एक ऐसे लैंड के बारे में बात की गई है जो कि उल्टा पुल्टा है. द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉपसी टर्वी लैंड, द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. And buses on the sea you'll meet while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. You pay for what you never get, I think it must be grand, for when you go you're coming back in topsy-turvy land. This is a poem written by H.E. Wilkinson. You also have to read it the way I have read it. जैसे मैंने पढ़ा है इसे, वैसे ही आप इसे गाएंगे, वैसे ही आप इसे भी सिंग करेंगे इस पोएम को. और आइए अब समझते हैं कि इसमें क्या कह रहा है. द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड. जो पीपल मतलब लोग, वॉक मतलब चलना, लोग जो हैं वो अपने सिर के बल पे चल रहे हैं. हेड्स, दे आर वॉकिंग अपॉन देयर हेड्स, मतलब सर नीचे और पैर ऊपर. जैसे ये मैन हमारे सामने दिख रहा है, कुछ ऐसा ही है टॉपसी टर्वी लैंड का हाल. द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल बाय नाइट, चिल्ड्रेन जो हैं वो स्कूल नाइट में जाते हैं इन टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में. द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, जो फ्रंट डोर की जो सीढ़ियाँ हैं, जो फ्रंट डोर का एंट्रेंस है, वो एक्चुअल में बैक है, मतलब घर का पीछा, पीछे वाला हिस्सा है. यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, और जब आप खड़े रहते हैं तो आप चलते हैं. स्टैंड मीन्स खड़े रहना, एंड वॉकिंग मीन्स चलना, मूवमेंट करना. सो व्हेन यू आर स्टैंडिंग, इट्स एक्चुअली यू आर वॉकिंग इन टॉपसी टर्वी लैंड. यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, सी यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट. आप अपनी जो हैट है, टोपी है, उसको सर पे नहीं पहनते, कहाँ पहनते हैं, पैर पे पहनते, क्योंकि सर तो आपका नीचे है और आप उल्टे चल रहे हैं. कहाँ पर? टॉपसी टर्वी लैंड में. एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट व्हाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड, और नदियों पर, ओके, जो नदियों पर जो कि चलती हैं, वो क्या चल रही हैं नदियों पर? नदियों पर बसेस चल रही हैं जिनसे कि आप मिलेंगे अपने वे पे. व्हाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड, बाकी जो बोट्स हैं वो प्लान्ड है, वो कहाँ चल रही हैं? रोड्स पे. वी कैन सी इन द पिक्चर, सी, नोटिस इट ओवर हेयर. क्या हो रहा है कि बसेस जो हैं वो एक्चुअल में वाटर पे चल रही हैं, सी पे चल रही हैं, एंड द बोट इज ऑन द रोड. सी हाउ स्ट्रेंज दीज थिंग्स आर टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ टॉपसी टर्वी लैंड. और ये दोनों ही जो बोट्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. कहाँ पर? टॉपसी टर्वी लैंड के स्ट्रीट्स पर, यानी रोड्स पर. यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, आप उसका दाम देते हैं, आप उसके लिए पैसे देते हैं जो कि आपको कभी मिलता ही नहीं. यू नेवर गेट, नेवर मतलब कभी नहीं, गेट मतलब मिलना. तो आप उसके पैसे देते हैं जो कि आपको कभी नहीं मिलता है.
आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, मुझे लगता है कि वो बहुत ही बड़ी चीज़ होगी जिसके लिए आप पैसे देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं पर मिल नहीं रही है, पर शायद कभी मिलेगी तो बहुत ही बड़ी होगी। फॉर वेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉपसी टर्वी लैंड, एंड टॉपसी टर्वी लैंड में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं आ रहे हैं। सी हाउ उल्टा पुल्टा दिस टॉपसी टर्वी लैंड इज, एवरी थिंग इज सो अपसाइड डाउन, एवरी थिंग इज टॉपसी एंड टर्वी। सो दिस इज़ द पोएम, मैंने पढ़ लिया, आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा आई होप सो। कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करें, एंड आई इट्स अ फन पोएम एंड आई वॉन्ट कि आप सभी इसे ऐसे ही सिंग करें, वीडियोज़ रिकॉर्ड करें और मुझे भेजें। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, उनके मीनिंग्स को डिक्शनरी में सर्च करेंगे, कोई इनकन्वीनियंस होता है मीनिंग समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर दे भी रखी हैं जिन्हें कि आप अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन भी करेंगे। इसके अलावा भी जैसे कुछ मीनिंग्स हैं जैसे कि मैं आपको बता दे रही हूँ, प्लेजर है, प्लान है, स्ट्रीट्स है, ओके, ग्रैंड मीन्स बिग, एंड स्कूल बाय नाइट, वाइकिंग से, ओके, फ्रंट डोर। सी दीज आर अ फ्यू वर्ड जिनकी मीनिंग आपको फाइन करनी है और अपनी कॉपीज़ में लिखनी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इट्स अ फन पोएम, एन्जॉय सिंगिंग इट, रिकॉर्ड द वीडियो एंड सेंड इट टू मी। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।